पत्रकार वार्ता में सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि 2017 में जब एमसीडी के चुनाव हो रहे थे दिल्ली के अंदर, तो भारतीय जनता पार्टी ने उस समय के अपने जितने भी पार्षद थे सबकी टिकट काट दी थी और ये कहा था कि ये सारे पार्षद भ्रष्टाचार में पूरी तरह से डूबे हुए हैं, जनता में बहुत ही अलोकप्रिय हैं, इसलिए इन सबको हम सजा दे रहे हैं, इन सबकी टिकट काट रहे हैं। और उस समय के जो प्रदेश अध्यक्ष थे मनोज तिवारी जी, उन्होंने एक नारा लाए थे, नए चेहरे नई उड़ान। और इस नारे के साथ उन्होंने ये तय किया था कि वो दिल्ली के अंदर एक नई कहानी लिखेंगे, लेकिन ये नए चेहरे वाले अपने पुराने चेहरों के बाप निकले भ्रष्टाचार में। आज दिल्ली के अंदर भाजपा के पार्षद कूड़ा उठवाने से लेकर एक आम आदमी, एक गरीब का झुग्गी पड़ने तक, लिंटर पड़ने तक हर चीज में भाजपा के पार्षद पैसे खाते हैं। ऊपर से नीचे भाजपा का एक एक पार्षद भ्रष्टाचार में पूरी तरह से डूबा पड़ा हुआ है और ये लगभग लगभग सबको पता है, ये बिल्कुल व्यापक जानकारी है, एक ऐसी जानकारी है जिससे हर आदमी को पता है, लेकिन आज हम आपके पास इसकी सबूत लेके आ रहे हैं। आज हम आपके पास एक ये पूरा नेक्सस कैसे चलता है, कितना बड़ा मकान हो तो उसमें कितना पैसा लिया जाता है, कितने बड़े मकान के किस क्षेत्र में क्या रेट हैं, ये सारी जानकारी कोई और नहीं दे रहा है, खुद उनके पार्षद महोदय दे रहे हैं। और उनकी और एक बिल्डर के बीच की जो पूरी बातचीत है उसकी रिकॉर्डिंग हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये रिकॉर्डिंग आप लोगों के सामने है। हाँ जी, राम राम। राम राम सर। कोई नहीं, ऐसे काबू कर रहे हो, थोड़ा आपके लोगों का आशीर्वाद रहता है तभी तो चल पाते हैं। आपने कहीं के मान दे दो तो पूरी गारंटी रहेगी, सामने पहुंचने के बाद भी गारंटी का सब कुछ होना चाहिए ना। मान लो अभी तो अब अपनी मर्जी से दे रहे हो आप, जो आप दे रहे हो रेट तय कर रहे हो, मैं डिलीवरी आप पर मना तो नहीं कर रहा। नहीं नहीं तो वो तो 400 आपने बोला था, 600 के और क्या नाम है, मैंने आपसे बोला था कि 700 रुपये, 500 रुपये उनने बोला है, फिर बैठ के आपने की 50 रुपये ही मेरी गुंजाइश है। ठीक है, एक बात और, हाँ दूसरे ये सुननी चाहिए। हाँ आप बोलो पहले। जैसे आज आप परेशान होकर आ गए ना, जब कल वो सब कुछ हुआ, वैसे पहले ऐसे तो कोई इतनी लंबी बात नहीं होती थी, समझे? अभी जब दिक्कत में ही हो तभी भागे, नहीं उससे पहले ही आ गए ना, 10 रुपए काम 20 रुपए बना लेता है, तो 10 रुपए काम है ना। आदमी होता लालच में आ जाता है कि लालच में कर लू ये कर लू, भाई आदमी छोटी सी रहती है कि यार सब आ रहे, दुनिया मिलने आ रही है और वो बंदा नहीं आ रहा। नहीं भाई, आपने 2-3 दिन फोन करा, ठीक है अच्छी बात है, मैंने कहा भी जी है, उसके बाद मैंने कहा था कि ऑफिस में बैठ रहे चले जाना, नहीं वो कोई बोला गया जो उसको बुलवा लेगा वो कहा है, तो वो कह रहे जी वो बिजी है, कोर्ट रोड पर लगा हुआ है। हाँ तो मैं बोला शिवम को, हमने बोला था। हाँ तो मैं कोर्ट अरे 6 बजे के बाद कौन सी कोर्ट रहती है, 6 बजे के बाद कोर्ट नहीं रहती सर, तो 6 बजे तो निकल जाते हैं ना ये। साथ में ऐसा निकलते हैं सारा 6 साथ क्यों किए थे। हाँ निकल जाते हैं, जब मैं आता था तब ये निकल लेते थे, ये है। फिर मैंने कहीं चलो सैटरडे को तसल्ली से बैठेंगे चाय पियेंगे, तो सैटरडे को फोन किया है 2 बार, इनने फोन नहीं उठाया, फिर जाके अब्बास का फोन आया मेरे पास। तो तेरी बात जैसे आज की आप पिट्ठू को लेके आ रहे हो, एक तिवारी सुनील वर्मा, इनकी सबकी कोई इमेज नहीं, अगर आपके सामने इमेज होगी तो होगी। एक दिनेश सिंह ये सब ना प्रतापी मेंढक है, इनको अपना 2-4 लाख रुपए मिल जाए मौज लेते हैं, इनका मतलब है 6 हजार रुपए निकलना। नहीं तो आप डायरेक्ट बात करो ना, तो आप पढ़े लिखे हो, बिजनेस मैन हो, भाई हमें आपसे डायरेक्ट बात करनी है। नहीं तो मेरी बात हो गई थी, मैंने कि मैं मकान जो भी काम करूंगा आपसे तो आपने बताया बताया कहा कि हमने काम करूंगा, तो ये तो नहीं, जब भी बड़ा वाला खोज दिया तब भी नहीं बताया आपने। नहीं नहीं तो फिर कर दिया भाई जी, उनका कर दिया ना मैंने,
अगर खोद दिया चलो तो कर तो दिया ना हिसाब, पूरे पैसे दिया उसका हमने, वो पूरे पैसे दिए 3 लाख रुपए पूरे दे दिए, 600 के हिसाब से जोगी थे, ऐसा नहीं कि नहीं दी आपको जरूरत थी, मैंने कि चलो दे दो, जो कि केस पड़ चुका था उसका मैंने दी। तो अगर कोई बात हो तो बिल्कुल अगर आप फोन करते तो मैं नहीं आता क्या बुलाते, कब फोन अटेंड नहीं किया मैंने, जेल को भी दिए क्या पैसे उसके भी, जिसमें दिए क्यों नहीं दिए, सबको दिए मैंने, जेल को क्यों नहीं दाम, जेल को भी दिए आपको भी दिए 300 रुपए, जेल को दिए 400 रुपए आपको दिए, क्या नाम है कितने 700 रुपए के हिसाब से लेंगे मेरे पास, 2 लाख रुपए आपको दिए इसमें लेंगे, 1.5 लाख रुपए जेल को दिए जिस गली में बनने की, पैसा तो नहीं है इतनी प्रॉफिट भी तो नहीं आती है कि हम प्रॉफिट आ जाए, गरीब आदमी हो घर बस जाता है, बहुत ज्यादा देर टेंशन हो जाता है अंदर से। अब निकले गए आप? हाँ निकल गया मैं, अब घर जा रहा हूँ क्या करो, तो लोग ऑफिस में आ जाते हैं कि मीटर लगवाओ, किसी के मीटर नहीं लग रहे हैं, ये 50 तरह की, आप ये इनके ये अगले कदमों के चक्कर ना छोड़ दो सरकारों पर, हाँ जी इसके बाद ही आप 10 बार इनको गाली देते हो, फिर मुंह लगा लेते हो, अरे ये अगर कोई ड्रैग का क्लाइंट पकड़ लाए या वैसे इस वजह से इतनी बातचीत है, मेरी बातचीत नहीं है, मैंने तो सबूत दिया है, तभी तो आप बुला के लाए इसको, आपने फोन किया होगा ना, आपने फोन किया था ना तब, हाँ तो आप कहते हैं मेरे को मजा के खत्म पर नहीं, वो तो जहाँ आप मेरी भी गए तब भी मुझसे कह रहा कि 5-10 हज़ार रुपये दे दो, ऐसे आपकी नहीं, एक बात बता रहा हूँ मैं, सबकी भाई कोई इमेज नहीं है, बता दिया मैंने, सुनिए फोन किया कुछ भी हो कहीं मार्केट में बैठने लायक नहीं है ना, फिर तो अपना मकान करना था इसलिए हमारे पीछे लग रहा था, ठीक है खैर जो भी करेंगे अभी दो एक दो दिन का टाइम तो देखते हैं क्या होता, नहीं ये तो कहते हैं क्या नाम है अब हम तो पूछ के बनाए थे, चलो जो भी गलती हो गई मेरे से, मैं पूछ के बना दिया, बिना पूछ के बना दिया, पैसा दोनों हालत में दिया, फोन कर रहा है ये भी तो कर सकते थे कि आ जाओ भी, जब मैं फोन कर रहा हूँ तो फोन उठा लो, बात सुबह अब्बास ही फोन करता है सबको जिसको बुलाता है ना, फोन कर रहा वो तो सीधे जगा रहा है धमका रहा है कि आज तुम्हारे वो नहीं है, पैसे नहीं दिए तुमने पूरे कि तुम्हारा वो जा रहा है लेटर जा रहा है ये जा रहा है कंप्लेन, और कंप्लेन भेज दी थी नहीं, वो तो शिवम ने बताया होगा तुम्हें, शिवम को बैठा हुआ था पूरा दिन का, अरे शिवम को कुछ नॉलेज नहीं है बेचारे को, शिवम दीदा 150 का मकान बनाया 1.5 लाख रुपए देके चला गया, कह रहा है चलाइए, नहीं तो मैं तो पूरे हिसाब से दिए ना पैसे, एक एक जोड़ के दिए पैसे, और कभी जब भी आपने बुलाया है कि ये चंदा इस चीज का उस चीज, मैंने कभी मना नहीं की, जब तक मेरा काम चलता रहेगा मैं सेवा करता रहूंगा, तुम्हें पता कहाँ करवाओ आपको, हटा देना चाहिए ना कि हाँ चलो ये ज्यादा ही नाराज रहते हैं ये कि मैं देखूंगा इन्हें, यहाँ भी तो बात खत्म हो सकती है, आप ना बिजली पैर रहो और डायरेक्ट बात करके सीखो, देखो हम बता रहा हूँ मैं, जब अंदर भी चेंजिंग में चार लोग बोलो तो बात करो, बोलो जी मेरे को 5 मिनट का मैं देते, मैं जब भी टाइम का बता देते, और मिलते जुलते रहो यार, ये कोई ऐसा किया ना कि सब मकान बने तभी मिलना है, हाँ तो मिलना जुलना कोई बहुत हो रही है, बुलाओगे तो क्यों नहीं आएंगे, ये भी मैं क्या है तो मैं बताता हूँ मैं। तो साथियों ये जो बड़ी मधुर सी वार्तालाप थी ये आप लोगों के सामने हमने दिखाई, ये जनाब निशांत पांडे जी हैं जो कि अपने क्षेत्र में लिंटर पांडे के नाम से जाने जाते हैं, और कहा जाता है कि लोग गब्बर सिंह से तो बच जाएंगे लेकिन लिंटर पांडे से नहीं बचेंगे, और ये अपने गुर्गों के माध्यम से क्षेत्र में ऐसा कोई घर ऐसा कोई मकान नहीं छोड़ते जहाँ पे पैसे नहीं लेते, ये वहाँ की पार्षदा रश्मि पांडे जो कि नाम मात्र की हैं, पार्षद तो असली यही है, सारा ये करप्शन का सारा माफिया ये निशांत पांडे जी और लिंटर पांडे जी चला रहे हैं। इस रिकॉर्डिंग में 3 केसेस का जिक्र हुआ है, पहला केस है जिसमें ये बिल्डर और लिंटर पांडे जी की बातचीत है,
बिल्डर कहता है जी कि 7 लाख रुपए दिए टोटल, 4 लाख रुपए लिंटर पांडे जी ने लिए, 3 लाख रुपए जेई जो वहां का जेई था उसने लिया, एक दूसरा मकान था जिसमें 2 लाख रुपए लिंटर पांडे जी को मिले और 1.5 लाख रुपए जेई को मिले, एक तीसरा केस जिसपे काफी लिंटर पांडे जी नाराज थे, उनका ही कोई दोस्त, उनका ही कोई साथी जो कि 150 गज का मकान बना रहा था शिवम नाम का, कह रहे थे कि उसको सिर्फ 1.5 लाख ही देके गया, पूरा हिसाब नहीं करके गया। तो ये भाजपा के पार्षदों की कहानी है और ये सबको पता है, बस आज हमने आपको रिकॉर्डिंग के माध्यम से ये सारी चीजें बता दी, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप जो आपके सामने रख दी। ये एक एक पार्षद भाजपा का इसी तरह से लिंटर पे 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए दिल्ली के आम नागरिक को सता रहा है, दिल्ली के आम नागरिकों का खून चूस रहा है दिल्ली का पार्षद। हमारी दो मांगे इसके ऊपर, पहला, भारतीय जनता पार्टी लिंटर पांडे और उनके पूरे गिरोह को अपनी पार्टी से बाहर निकाले, और हमारी दिल्ली पुलिस से मांग है कि इनके खिलाफ FIR करके इनको तुरंत जेल में भेजा जाए। अगर ऐसा नहीं करते वो अगले 48 घंटे के अंदर, तो हम ये मानने को मजबूर हो जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी भी इसमें पूरी तरह से मिली हुई है। मैं अपने साथी रोहित मेहरोलिया जी, जो कि वहां के विधायक हैं, ये उस क्षेत्र से बड़े जानकार हैं, इनका भी लिंटर पांडे जी से लगातार वास्ता पड़ता रहता है, मैं चाहूंगा कि ये भी दो शब्द कहें। सभी को नमस्कार। वैसे तो सारी बातें दुर्गेश जी ने विस्तार पूर्वक आपको बता दी हैं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जिन्होंने तीनों निगमों को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया हुआ है, और आम जनता ने बड़े भरोसे के साथ में इन लोगों को चुना था कि हमारे काम आएंगे, हमारे यहाँ क्षेत्र में विकास करेंगे, हमारे गली की सड़क बनवाएंगे या हमारे लाइट लगवाएंगे, अन्य जितने भी काम होते हैं, लेकिन उन सभी कामों को छोड़ के ये उल्टा जनता का खून चूसने में लगे हुए हैं। यहाँ पर बात केवल बिल्डरों की नहीं है, बात एक आम आदमी की भी है। ऐसा कोई दिन नहीं होता कि मेरे ऑफिस में शिकायत नहीं आती है लिंटर पांडे भाई साहब की, कि जो पार्षदा के जेठ हैं और जिनका आतंक, आज वो आतंक के पर्याय बन चुके हैं, न्यू अशोकनगर वार्ड के अंदर, पूर्वी दिल्ली नगर निगम का ये वार्ड है 4E, जहाँ से ये पार्षद जो हैं रजनी पांडे जी उनके जेठ हैं, और ये निशांत पांडे जी का आतंक कितना है कि कोई गरीब आदमी कर्जा पानी लेके अपने बच्चों की पेट पट्टी काट कर, अगर मान लीजिए 25 गज का, 30 गज का मकान बनाता है, 50 गज का मकान बनाता है, तो वहाँ भी ये लोग उनका पीछा नहीं छोड़ते हैं, वहाँ भी ये उनसे मोटी मोटी रकमों की उगाही करने के लिए इनके गुर्गे और ये लोग पहुँच जाते हैं। तो आज ये साबित हो चुका है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से लिप्त हैं, ना केवल लिप्त हैं बल्कि जनता के बीच में किस प्रकार से आतंक का पर्याय बन चुके हैं। तो आज जो मांग आम आदमी पार्टी की ओर से भाई दुर्गेश पाठक जी ने की है, आज मैं भी यही कहना चाहूँगा कि आज बेनकाब हो चुकी भारतीय जनता पार्टी, अगर थोड़ी सी भी शर्म बाकी है उन्हें तो आज ऐसे भ्रष्ट अपने नेताओं को, पार्षदों को तुरंत पार्टी के पदों से निष्कासित करें, अपने पार्टी से निकालें और 48 घंटे के अंदर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करें। साथ में दिल्ली पुलिस से भी हमारी यही उम्मीद है कि आज जो वीडियो, ये ऑडियो सामने आया है, इससे ये पूरा पर्याप्त सबूत है अपने आप में उनके खिलाफ कि किस प्रकार से वो लोगों को डरा धमका कर किस तरह से मोटी मोटी पैसे की उगाही करने में लगे हुए हैं।